नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी वीना सिंह। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीनिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। रक्षा, क्लीन एनर्जी, मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी हुई अहम चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश, चर्चा जारी। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा। तमिलनाडु के बाद आंध्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा चक्रवात मिक्जॉम, इलाके में तेज बारिश शुरू। हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। इसरो ने चंद्रयान 3 के अहम हिस्से को धरती की कक्षा में वापस लाने में पाई सफलता। इसरो के सफल प्रयोग से भविष्य में चंद्रमा से लाए जा सकेंगे नमूने। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में दक्षिण कोरिया को दी 4-2 से शिकस्त, अरिजीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कीनिया राष्ट्रपति विलियम सामोई रुटो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई। कीनिया के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच 5 समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। ये ज्ञापन खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहमति। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और केन्या के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत केन्या को कृषि क्षेत्र में सहयोग करने और अत्याधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर भी सहमत हुआ है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। कीनिया के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के उपलब्धियों को कीनिया के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। रक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र को लेकर भी आपको बता दें दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। वहीं हिंद महासागर से दोनों ही देश जुड़े हैं, ऐसे में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों ही देश विजन डॉक्यूमेंट जारी करने पर सहमत हुए। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। कीनिया और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और कीनिया एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए
सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं केन्या के राष्ट्रपति ने संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल G20 के आयोजन और अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाने के लिए बधाई दी। I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20 and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent. That today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the African Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually. इस दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने भारत की विकास यात्रा को सराहा, खासतौर पर आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं वाली योजनाओं को। उन्होंने भारत के साथ सोलर अलायंस और बिग कैट अलायंस जैसी वैश्विक मुहिम में भागीदारी करने की भी बात कही। केन्या हैज जॉइंड द अलायंस ऑफ बायोफ्यूल्स एंड आल्सो द सोलर अलायंस एज वी टैप इनटू आवर रिन्यूएबल एसेट्स इन Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place. विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव दम्मू रवि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केन्या के राष्ट्रपति के बीच वार्ता बहुत अहम रही। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। The line of credit to enhance from the existing 100 million to $250 million for the agriculture modernization of Kenya, and the customized training program for 20 space scientists of Kenya Space Agency, which will be done by ISRO, and geospatial information portal for Kenya, which India will be developing for them. And then the last but not the least is the Kenyan government expressed interest to join the International Solar Alliance and the Global Biofuel Alliance. लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पेश किया गया। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। वहीं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। साथ ही उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से एक महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 370 के हटने से जम्मू कश्मीर के सभी समुदायों में नया विश्वास पैदा हुआ है। 370 में बैरियर भी था, बट आई वुड से दैट इट क्रिएटेड आर्टिफिशियल बैरियर्स, इट क्रिएटेड म्यूचुअल स्केप्टिज्म। इससे नुकसान सभी समुदायों को हुआ, किसी केवल कश्मीरी हिंदू को नहीं हुआ, कश्मीरी मुसलमान को भी हुआ। बाहर जाता तो उसे शक की निगाह से कहता, उसको भी लगता मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ।
So abrogation 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, a sense of being a part of this huge Indian peninsula. चर्चा के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370 35A के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था दो विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है, यह बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए, देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें, ये आपने बंगाल को क्या किया है, ये सुधार कश्मीर में हुआ है जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। वहीं आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार द्वारा जानबूझकर ऋण ना चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से आरबीआई को बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में बैंकिंग क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है, जबकि भारत में यह क्षेत्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPA is coming down, profit margins going up of the banks. हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद उनका विश्लेषण जारी है। नतीजों का पूरा अध्ययन करने के बाद आकांक्षी जिलों में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। आकांक्षी जिलों के गरीबों, आदिवासियों, वंचित वर्गों समेत आम लोगों ने इन चुनावों में मोदी सरकार की विकास योजनाओं पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में 26 आकांक्षी जिले हैं जिनमें 81 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बीजेपी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की है, जो 2018 में जीती गई 23 सीटों की संख्या की दोगुनी से ज़्यादा है। इनमें 33 नई सीटें हैं, जबकि 2018 में जीती हुई 19 सीटों पर इस बार भी उसने अपना दबदबा बनाए रखा। वहीं कांग्रेस आकांक्षी जिलों में केवल 24 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि 2018 में 52 सीट उसके खाते में आई थी। इनमें से कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत को बरकरार रख पाई और 5 नई सीटों पर जीत हासिल की। राज्यवार बात करें तो मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की 35 सीटें, छत्तीसगढ़ में 21 सीटें, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 8 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने आकांक्षी जिलों में 35 में से 30 सीटें जीती हैं, जबकि शेष 5 कांग्रेस के पास गईं। राजस्थान में भाजपा ने इन जिलों की 17 सीटों में से 10 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस और बसपा ने क्रमशः 6 और 1 सीट जीती। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आकांक्षी जिलों की 21 सीटों में से 11 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी GGP को मिली। तेलंगाना में आकांक्षी जिलों की 8 सीटों में से कांग्रेस ने 4, BRS ने 2 और भाजपा और CPI ने 1-1 सीट जीती। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मकसद देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करना और उन्हें समग्र विकास में मदद करना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में SC और ST सीटों पर भी भाजपा को बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 सीटों में से भाजपा ने 4 पर जीत दर्ज की,
वहीं अनुसूचित जनजाति वाली 29 सीटों में से 17 पर भाजपा विजयी रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एससी की 35 सीटों में से भाजपा ने 26 पर जीत दर्ज की, जबकि एसटी की कुल 47 सीटों में से भाजपा ने 24 पर कब्जा जमाया है। उधर राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 सीटों में से भाजपा ने 21 पर जीत हासिल की, जबकि अनुसूचित जनजाति वाली 25 सीटों में से भाजपा के खाते में 12 सीटें आई हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस द्वारा बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी गई है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बंटवारे के इन प्रयासों पर पीएम मोदी ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। साथ ही लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए इन्हें आगे भी ऐसे और झटकों के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चारों ओर बुराई का अंधकार हो तो अच्छाई की रोशनी से उस अंधकार का अंत करना हमारा कर्तव्य है। इस घर का हाउस ओनर भाई परमानंद लाला लाजपत राय के साथ मिला हुआ है। हमारा मकसद फांसी पे चढ़ना नहीं, अपने देश को आजाद करवाना है। Arrest them! अपने देश के लिए लड़ना या अपने देशवासियों की सेवा करना अगर अपराध है, तो मैं हर जन्म में यह अपराध करने को तैयार हूँ। इसके लिए चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना मिल जाए। स्वराज में देखिए भाई परमानंद की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चक्रवाती तूफान मिज्जौम की। आज आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से टकराया, जिसके बाद इलाके में तेज बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग पहले ही प्रभावित राज्यों में अलर्ट जारी कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, आपको बता दें, खासतौर से मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली में तेज बारिश हो सकती है। तूफान का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में असर ज़्यादा होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में काम में जुट गई हैं। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। वहीं तटरक्षक बल, नौसेना के बचाव और राहत दल भी जहाज़ और विमान के साथ तैयार हैं। इन सब हालातों के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी से फ़ोन पर बात की और चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का जायज़ा लिया। अमित शाह ने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सभी ज़रूरी सहायता का आश्वासन दिया है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने आज सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हज के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी बातचीत की। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि दोनों देश
सभी हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ हज जाने की प्रक्रिया को यथासंभव सुविधाजनक और बाधा रहित बनाने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हज यात्रा विशेषकर 2023 की हज यात्रा सुगमता से संपन्न कराने के लिए सऊदी अरब से मिले सहयोग की तहे दिल से सराहना करता है। इस यात्रा में भारतीय महिला तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 47% थी। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री ने कहा कि हज यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हज यात्रा के बारे में बताया कि भारत और सऊदी अरब के बीच विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों देशों ने हज यात्रियों के लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर अपनी सहमति जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रता मंडल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुब्रता मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वो अनुब्रता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स आरोपी को सौंपे। कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते के भीतर सभी दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्रवाई की प्रगति देखना चाहता है ताकि वह उसके द्वारा दायर जमानत याचिका पर आगे फैसला कर सके। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाईं और वहां से भाग निकले। गोगामेडी को तुरंत मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना के समय सुखदेव सिंह गोगामेडी घर के बाहर खड़े थे। उन पर बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भाजपा सरकार गठित होते ही ऐसे सभी अपराधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थापित एक भव्य मंदिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह शानदार मंदिर कई वजह से खास है। ये एक इराइवान मंदिर यानी तमिल शैली का मंदिर है। कौई द्वीप पर बने इस मंदिर को पूरी तरह ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसको दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों की शैली में बनाया गया है। मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके संस्थापक परमाचार्य सदाशिवानंद पलानी स्वामी 1968 में अपने गुरु और परिसर के संस्थापक शिवाय सुब्रमुनिया स्वामी के साथ वहां गए थे। उन्होंने एक बार स्वप्न में भगवान शिव को वहां एक बड़े पत्थर पर विराजमान देखा था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू कराया गया। 1990 में इसका निर्माण शुरू हुआ। निर्माण में भारत के कई कलाकारों ने सेवा दी। मंदिर में बल्ब के बजाय तेल के दिए ही जलाए जाते हैं। साथ ही यहां पंखे या एसी भी नहीं लगाए गए हैं। बात करते हैं खेल जगत की। मलेशिया में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। टीम ने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने मैच में शुरुआती बढ़त बना ली है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।